हेलो बच्चों मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूं आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन हिंदी का एन का पुस्तक स्पर्श वन का पाठ नंबर छः शुक्र तारे के समान देखने जा रहे हैं बच्चों इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ देखेंगे साथ ही साथ बहुत ही सरल शब्द में इस पाठ का सारांश देखेंगे तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसका कि सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं शब्दार्थ देखते हैं तो एक शब्द आया है पीर पीर का मतलब होता है महात्मा कट्टर यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा जो ठान ले उस काम को करना चौकसाई यानी किसी पर नज़र रखना पेशा पेशा मीन्स व्यवसाय जो भी व्यवसाय हम काम करते हैं उसको पेशा बोलते हैं स्या स्या शब्द आया है इस पाठ में जिसका कि मतलब होता है काला सल्तनत सल्तनत का मतलब होता है राज्य अध्यतन अधतन का मतलब अब तक का अब तक का गाद गाद का मतलब होता है तलछट किसी भी जलाशय या किसी चीज का जो नीचे का तलछट होता है उसे हम गाद करते हैं सानी शानी का मतलब होता है कि उसी जोड़ का दूसरा नहीं किसी मतलब वो अपने आप में अनोखा हो उसको सानी बोलते हैं उसके बराबर कोई दूसरा ना हो अनायास बिना किसी प्रयास के नक्षत्र मंडल का मतलब होता है तारा समूह कलगी रूप यानी तेज चमकने वाला तारा शुक्र तारा के बारे में ये शब्द उपयोग में लाया गया है उसके बाद होता है हमाल हमाल का मतलब होता है कुली जो दूसरे के लिए काम करता हो बावर्ची मिन्स रसोइया भिस्ती का मतलब होता है मस्क से ढोने वाले मस्क से पानी ढोने वाला व्यक्ति तो चमड़े का एक बैग के जैसा पुराने समय में लोग ढोए रहते थे और उस चमड़े के उस बैग में पानी लेकर के वो लोगों को पहुंचाते थे वैसे लोगों को भिस्ती कहा जाता था खर खर का मतलब होता है गधा आ सेतु हिमाचल आ सेतु हिमाचल का मतलब यहाँ पर उपयोग में किया गया इसका मतलब है सेतु बंध रामेश्वरम से लेकर के हिमाचल हिम हिमाचल तक विस्तृत विस्तीर्ण यानी वहाँ तक फैला हुआ फिर अगला कठिन शब्द है इस पाठ में ब्यौरा ब्योरा का मतलब होता है विवरण रूबरू यानी आमने सामने धुरंधर का मतलब होता है किसी काम में प्रवीण होना तो इस पाठ का अब हम लोग सारांश देखेंगे सारांश से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं स्वामी आनंद जी उनका जीवन परिचय बहुत ही शॉर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखा हुआ है उनके बारे में प्रस्तुत पाठ के लेखक स्वामी आनंद जी हैं इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमकी गांव में अठारह में हुआ था किनका स्वामी आनंद जी का जब लेखक दस वर्ष के थे तब कुछ साधु उन्हें अपने साथ हिमाचल की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद तब से इनका नाम स्वामी आनंद हो गया अच्छा इन्हें मूल रूप से हिम्मत लाल के नाम से भी जाना जाता था 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए जो इस पाठ के लेखक हैं महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंदी तरुण हिंद अखबार निकाला तत्पश्चात बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए लेखक लेखक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तत्पश्चात 1917 में गांधी जी के संसर्ग गांधी यहाँ गांधी होगा गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में जब नवजीवन और यंग इंडिया के प्रसार व्यवस्था संभालली इन लेखक के बारे में बोला जा रहा है इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी जिनके बारे में कि ये कहानी है महादेव भाई देसाई इन्हीं के बारे में ये कहानी है और बाद में प्यारेलाल जी को भी नज़दीक से जानने का मौका मिला ये दोनों कौन थे महादेव भाई देसाई और प्यारेलाल गांधी जी के निजी सचिव थे तो जिन इनमें से महादेव भाई देसाई के बारे में यह कहानी इन्होंने लिखा है लेखक ने तो चलिए हम लोग इस पाठ का अब सार यानी कि इस पाठ का सारांश देखते हैं तो पाठ का सारांश की शुरुआत करते हैं प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान लेखक स्वामी आनंद जी के द्वारा लिखित है वास्तव में यह पाठ मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है क्योंकि स्वामी जी भी गुजराती थे इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्तम दिनचर्या को उकरने उकेरने का प्रयास किया है तो गांधी जी के जो निजी सचिव थे उनका नाम है महादेव भाई देसाई जी उन्हीं के बारे में इस पाठ में लेखक जो हैं वो लेखक स्वामी आनंद जी वो लिखे हैं और लेखक स्वामी आनंद जी गुजराती भाषा में इस पाठ को लिखे हैं जिसका कि रूपांतरण किया गया है हिंदी भाषा में तो लेखक क्या बोलते हैं कि महादेव भाई दे, दे, देसाई जो थे वो बेजोड़ प्रतिभा और बेजोड़ प्रतिभा के वो व्यक्तित्व के इंसान थे और उनका दिनचर्या काफ़ी व्यस्तम रहा है इस पाठ में वो यही बताने की कोशिश किए हैं इस पाठ के माध्यम से महादेव भाई की निष्ठा सरलता सजनता समर्पण लगन आदि को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है तो महादेव भाई जो थे उनमें जो भी गुण थे उन सभी गुणों को बड़े ही अच्छे शब्दों के साथ लेखक इस पाठ के माध्यम से उकेरने का मतलब कि हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं प्रस्तुत पाठ या रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने महादेव भाई की तुलना शुक्र तारे से की है तो इस कहानी की शुरुआत में ही महादेव भाई जो थे उनकी तुलना लेखक शुक्र तारे से करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वह तारा जो है जो सारे आकाश को जगमगा कर दुनिया को मुक्त करके अस्त हो जाता है तो शुक्र तारा क्या होता है एक ऐसा तारा होता है जो कुछ ही समय तक आकाश में दिखता है जगमगाता है और उसको देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इतना वो सुंदर लगता है देखने में लेकिन कुछ ही समय बाद वो आकाश से फिर अस्त होकर के यानी गायब हो जाता है तो वैसा ही व्यक्तित्व वो महादेव भाई जी के बारे में बताते हैं कि वो भी जब तक भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन खासकर महात्मा गांधी जी से जुड़े रहें तब तक अपने कार्य के माध्यम से सबको मंत्र मुक्त करते रहें और उसके बाद अचानक से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो ठीक शुक्र तारे के समान ही हमारे सामने आए और फिर चले गए आगे क्या लिख है इसमें ठीक उसी प्रकार भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसे ही आभा से हम हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुक्त करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए क्यों अस्त हो गए क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हो गई फिर क्या आगे लिखा हुआ है महादेव देसाई 1917 में जब गांधी जी से मिले तब गांधी जी ने उन्हें पहचान कर अपना उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया तो इस पाठ में ये दिखाया गया है कि महादेव देसाई जो थे वो सर्वप्रथम गांधी जी से 1917 में मिले और जैसे ही वो उनसे मिले तो उनकी विलक्षण प्रतिभा से गांधी जी इतना अभिभूत हो गए कि वो 1917 में ही उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए तत्पश्चात 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने महादेव देसाई जी को अपना उत्तराधिकारी माना और एक बार फिर जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ तो उस समय जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया उस समय भी वो महादेव देसाई जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं उस दिन महात्मा गांधी के सामने उन दिनों महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों द्वारा अत्याचारों और सितम की जो दल सुनाने आते थे भाई महादेव देसाई उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां बनाकर उनको गांधी जी के समक्ष पेश किया करते थे तो उस समय जब अंग्रेज का अत्याचार जुल्म बड़े चरम प्रकाशा पर था उस समय बहुत सारे लोग अपनी दुख और अंग्रेजों uh, के अत्याचार और जुल्म की कहानी आकर महादेव भाई जी देसाई को सुनाते थे और महादेव भाई देसाई जो थे वो उन सब का एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके गांधी जी के समक्ष उनकी पीड़ा को रखते थे तथा आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकात भी कराते थे किन गांधी जी की मुलाकात भी वो करवाते थे गांधी जी बम्बे के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे तो गांधी जी क्या करते थे उस समय बॉम्बे का जो एक अंग्रेजी दैनिक निकलता था अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल उसमें इन सारे मुलाकात और लोगों के जो भी पत्र हुआ करते थे और उनकी जो भी या वो जो भी अंग्रेजों के बारे में आकर के बातचीत किया करते थे इन सबको उस अखबार में गांधी जी छपाते थे बाद में क्रॉनिकल कि अंग्रेज संपादक हार्नी मैन को सरकार ने देश निकाले की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया तो उस समय वो बॉम्बे से निकलने वाला वो अखबार जो क्रॉनिकल था दे, वो दैनिक पत्रिका एक अंग्रेजी संपादक हार्नी मैन के द्वारा निकाला जाता था तो उस उनके इस कार्य से अंग्रेज खुश नहीं थे इसलिए वो क्या किए हार्नी मैन को देश से भारत देश से निकाल दिया गया और उनको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया उन दिनों उन दिनों बम्बई के तीन नए नेता हुआ करते थे कौन कौन हुआ करते थे बम्बई में तीन स्वतंत्रता आंदोलन के तीन नए नेता के बारे में बात कर रहे हैं वो होते हैं लाल बैंकर उमर सोबानी और जमुना द्वारकादास तो ये तीन उस समय स्वतंत्रता सेनानी बम्बे में बड़े ही आ, अच्छी तरह से जाने जाते थे उक्त तीनों में अंतिम श्रीमन उक्त तीनों में अंतिम यानी इन तीनों में जो अंतिम थे जमुना दास द्वारका दास उनकी बात किया जा रहा है कि इन तीनों में अंतिम श्रीमती वैश्यठ के अनुयायी थे तो श्रीमती वैश्यंठ जो कि अंग्रेज थी अंग्रेज होने के बाद भी वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी तो उन्हीं के वो क्या थे वो उन्हीं के जमुना दास दास जो थे वो श्रीमती वैशंठ के अनुयायी थे मतलब कि वो उनको अपना गुरु मानते थे श्रीमती वैशंठ को ये नेता यंग इंडिया का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे तीनों मिलकर के यंग इंडिया नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भी निकालते थे परंतु यंग इंडिया में भी क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन की मुख्य रूप से लिखा करते थे तो ये पत्रिका जो निकलता था यंग इंडिया तो मोटा मोटी ये बोला जा सकता है कि उसमें भी जो भी लेख या संपादकीय छपता था वो हार्नीमैन जो थे अंग्रेज वही छापा करते थे तो जब वो चले गए उनको देश से निकाल दिया गया तो फिर क्या हुआ जब हार्नीमैन को देश छोड़कर निकलना पड़ा तो इन लोगों को हर सप्ताह लिखने के लिए कमी पड़ने लगी तो इस अखबार में अब कौन लिखेगा इस बात का अब उनको इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को मुश्किल होने लगा तो उनकी पत्रिका के लिए कोई लेख नहीं लिख रहा था तब इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बने तो वो तीनों स्वतंत्रता सेनानी मिलकर गांधी जी से बोलते हैं कि आप हमारी पत्रिका के संपादक बन जाएं। तत्पश्चात गांधी विनती स्वीकार कर लिए तो गांधी जी को भी जरूरत था एक पत्रिका का जिसमें कि वो अपनी आवाज़ अंग्रेजों तक पहुंचा सकें तो उन्होंने तुरंत ही विनती को स्वीकार कर लिया बाद में काम बढ़ जाने के कारण यंग इंडिया अखबार को गांधी जी ने सप्ताह में दो बार निकालने का निश्चय किया तो बाद में जब उनका काम काज काफ़ी बढ़ गया तो उसको छापने के लिए सप्ताह में एक बार ही इस तरह के अखबार का निकालना काफ़ी कम हो जाता था क्योंकि अखबार में जगह नहीं होता था लेकिन उनके पास लिखने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स और समाचार हुआ करते थे तब क्या किए गांधी जी यंग इंडिया को सप्ताह में दो बार निकालने लगे क्योंकि उनका काम काज इतना ज़्यादा था कि उनको काफ़ी ज़्यादा उन सब के बारे में अखबार में छापना होता था यंग इंडिया के बाद जन नवजीवन की भी जिम्मेदारी गांधी जी के पास आ गई यह भी एक पत्रिका था दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे बाद में अखबार की जिम्मेदारी लेखक के हाथ में आ गई लेकिन बाद में जो इस पाठ के लेखक हैं उन्हीं के हाथ में इन दोनों अखबारों की जिम्मेदारी आ गई अब वो ही इन दोनों अखबार की

तो महा महादेव जी जो कि उनके निजी सचिव थे गांधी जी के साथ देश में कहीं भी होते थे लेकिन थोड़ा समय निकाल कर वो गांधी जी की पूरी दिनचर्या का लेख लिख करके और लेखक के पास भेज दिया करते थे अखबार में छापने के लिए अपने तीव्र बुद्धि के कारण देसी विदेशी समाचार पत्र वालों के ये लाडले बन गए तो ये जो महादेव जी देसाई थे महादेव देसाई जी वो इतने तीव्र बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि देसी विदेशी समाचार पत्र के काफ़ी लोग उनके संपर्क में आ गए और वो सबके लाडले हो गए गांधी जी के पास आने से पहले वह सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे वो गांधी जी के संपर्क में आने से पहले भी सरकारी नौकरी में थे अनुवादक के पोस्ट पर इन्होंने कई साहित्य का अनुवाद भी किया है और हिंदी साहित्य में भी वो कई दूसरे दूसरे भाषा के साहित्यों का हिंदी में अनुवाद किए थे महादेव भाई गांधी जी की यात्राओं और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में लिखा करते थे तो उनको लिखने पढ़ने का काफ़ी शौक़ था साथ ही साथ देश विदेश के समाचारों को पढ़कर उस पर टीका टिप्पणी भी लिखा आ, लिखते थे सिर्फ वो गांधी जी के ही साथ नहीं थे बल्कि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था वो देश विदेश के जो समाचार होते थे उनको भी पढ़कर फिर उस पर भी टीका टिप्पणी लिखते थे आगे है महात्मा महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना नहीं की जा सकती थी तो गांधी जी जो थे उनमें और महादेव भाई जी में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया था विचारों का इतना अच्छा तालमेल बैठ गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रहें ऐसा कल्पना भी नहीं किया जा सकता था गांधी जी के पत्रों में महादेव भाई की लिखावट होती थी गांधी जी जो पत्र लिखा करते थे अंग्रेजों को वो उन सभी पत्र को महादेव जी देसाई ही लिखा करते थे उनकी लिखाई लिखावट लंबी सी जेट की गति से लिखी जाती थी और जब भी वो गांधी जी के गांधी जी जब कोई मीटिंग करते थे या सभा करते थे उसमें जो भी लिख, बोलते थे उन सब बातों को बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे लिख देते थे जैसे कि कोई जेट बड़ी तेज़ गति से चल रहा हो इसलिए उनकी लिखावट की तुलना इस पाठ में जेट की से की गई है वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे परंतु उनकी लेखनी में कॉमा मात्र की भी गलती नहीं होती थी तो प्रायः जब लोग कोई कुछ बोलते रहते भाषण देते रहते हैं तो उनकी भाषण को लिखने के लिए हम शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से बोलते हैं और लिखना इतने आसान तरीके से संभव नहीं हो पाता इसलिए शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है लेकिन महादेव भाई देसाई जो थे वो बिल्कुल ही सरल शब्दों में सरल लिखावट में गांधी जी की सारी बातों को बिना शॉर्ट हैंड का ही लिख दे रहे थे और बिना गलती किए हुए इसलिए गांधी जी भी अपने मिलने वालों से बातचीत को उनकी नोटबुक से मिलान करने को कहते थे तो दूसरे जो भी लोग आते थे पत्रिका के और गांधी जी के स्पीच को लिख कर वो रखते थे तो गांधी जी उनसे कहते थे कि आप पहले जा कर के महादेव भाई देसाई जी के लिखावट से मिला लें कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया है मेरे बारे में तो इतना विश्वास गांधी जी को महादेव देसाई जी की लिखावट पर था झोले में ताज़े समाचार पत्र और पुस्तकें रखा करते जिसे वे रेलगाड़ी रेलियों तथा सभाओं में पढ़ते थे या फिर नवजीवन या यंग इंडिया के लिए लेख लिखते रहते तो महादेव देसाई जी थे और वो क्या करते थे हमेशा अपने थैले में झोले में समाचार पत्र और पुस्तकें रखा करते थे और खाली समय जब भी मिलता था रेल में रैली में या सभा में तो वो इन्हें निकाल कर पढ़ा करते थे या फिर अगर उनके पास समय होता तो होता था तो नवजीवन और यंग इंडिया अखबार के लिए कुछ ना कुछ लेख लिखा करते थे एक घंटे में चार घंटों का काम निपटा देते थे तो वो कोई भी काम इतनी तेज़ गति से करते थे कि चार घंटे का काम वो एक ही घंटे में निपटा लेते थे वे इतने व्यस्त समय में अपने लिए कब वक्त निकाल निकालते पता ही नहीं चलता यही नहीं था कि वो इतने व्यस्त होने के बाद भी अपना भी काम बड़े ही सही तरीके से कर लेते थे ऐसा लेखक लिखते हैं उन्नीस सौ में महात्मा जी में गांधी जी मंगनवाड़ी से चलकर सेगांव चले गए थे परंतु महादेव जी मंगनवादी में ही रहे शेगाव से मंगवा मंगनवादी की दूरी ग्यारह मील था महादेव भाई देसाई रोज़ मंगनवादी से मंगवादी से पैदल चलकर कर जाते तथा शाम को काम निपटाकर वापस आते थे तो लेखक बताते हैं कि गांधी जी उन्नीस में मंगनवाड़ी शिफ्ट हो गए शेगाँव से लेकिन महादेव जी जो थे वो आ, गांधी जी सेगाँव शिफ्ट हो गए मंगनवाड़ी से लेकिन महादेव जी मंगलवादी में ही रह गए और वो रोज़ गांधी जी से गाँव मिलने के लिए ग्यारह मील की दूरी तय करके जाते थे और शाम को फिर वापस काम पूरा होने के बाद वापस लौट कर आते थे यही वजह है कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसा लोग मानते हैं इनकी मृत्यु का दुख गांधी जी को आजीवन रहा तो जब गांधी जी महादेव जी देसाई से बिछड़ गए तो उनको पूरा जन्म जब तक वो जीवित रहें इस बात का हमेशा दुख और अफसोस रहा महादेव भाई देसाई जी ने गांधी जी की पुस्तक सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो गांधी जी का जो पुस्तक है सत्य का प्रयोग उसका वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किए थे देखा जाए तो लेखक अपने प्रस्तुत रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उन उसकी ऊर्जा उसकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत हैं तो जब आप बच्चों इस कहानी को पढ़ेंगे इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो इस पाठ के नायक महादेव देसाई जी के व्यक्तित्व तो यानी उनकी पर्सनालिटी और उनमें जो एनर्जी ऊर्जा था उनकी जो लगन थी उनमें जो प्रतिभा था इन सब से बिल्कुल अभिभूत थे मतलब कि वो उन उन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का सारांश समाप्त हुआ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा पहला वीडियो आपके पास पहुंचे क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे धन्यवाद बच्चों देखने के लिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार